सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज़ पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। पलामू जिले में स्वास्थ्य की व्यवस्था पूरी तरह से लचर रहती है। अक्सर सुर्खियों में खबरें आती रहती हैं कि कई जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनका इलाज के अभाव में मौत हो जाता है, और बरसात के दिनों में कई सारे जगहों पर डायरिया फैलता है। अभी हाल के दिनों में चैनपुर में डायरिया से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी थी, और अब पाटन थाना के सोले गांव में ऐसा ही मामला सामने आया जहां लोगों में डायरिया के लक्षण जैसे ही दिखे वहां के मुखिया लक्ष्मण मांझी ने तत्परता दिखाई और तुरंत गाँव में प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात कर कैंप लगवाया, सभी रोगियों का इलाज कराया, और इसके साथ ही जितने भी जो मरीज थे जिनकी स्थिति गंभीर देखी गई उन्हें तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल भेजा गया। तो इस तरह जो जनप्रतिनिधि की जागरूकता सामने आई है इससे एक अच्छा संदेश आया है, क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि जागरूक होंगे तो लोगों की जाने नहीं जाएंगी। सभी पंचायत स्तर पर, सभी वार्ड स्तर पर इस तरह की मुहिम चलाने की आवश्यकता है कि किसी भी तरह का जो असाध्य या फिर फैलने वाला बीमारी होता है उससे लोगों को बचाने के लिए जो जनप्रतिनिधि हैं वो सबसे कारगर और सबसे अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। क्योंकि जैसे ही गांव में कोई भी बीमारी फैलती है तो चिकित्सकों से पहले वहां के जनप्रतिनिधि को पता चलता है। तो इस तरह जो उन्होंने लक्ष्मण मांझी ने ये सफल कार्य किया है वो निश्चित ही प्रेरणा लेने का काम है, और सभी जनप्रतिनिधियों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किसी भी बीमारी को फैलने से पहले उसका समुचित इलाज का प्रबंध करा लिया जाए।